इसको 35 करोड़ लोगों ने जो है जियो सिनेमा के ऊपर लाइव देखा है। 35 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा के ऊपर इस मैच को लाइव देखा। यार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा। आपका पूरा पीएसएल के ब्रॉडकास्ट जितने में था 100 कितने करोड़ के अंदर, उसमें एक मैच हो रहा है। That sort of professionalism in promoting the league and the merchandising and all, we still haven't seen the PSL. We need to build on it on the PSL क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। और ये जो 37-38 करोड़ सिर्फ जियो सिनेमा पे थे, फिर स्क्रीन पे अलग थे, पता नहीं, यानी मैं ऐसे कर लूं कि 60 करोड़, चलो कम करके 50 करोड़, ये 50 करोड़ लोग अगर आईपीएल का है ओपनर फॉलो कर रहे थे तो इसकी सबसे पहली वजह धोनी थे, उसके बाद विराट कोहली थे। अबे भाई 33 करोड़ लाइव जियो सिनेमा की व्यूअरशिप, मतलब अबे ये कहां से लाए हो भाई, इतनी तो हमारी आबादी नहीं है कसम से। 33 करोड़ लोग, अबे 33 करोड़ लोग एक सिंगल टाइम में देख रहे हैं भाई, मैं क्या बोलूं कि 12 बिलियन डॉलर से ब्रांड वैल्यू हो गई आईपीएल की, 12 बिलियन यूएस डॉलर यार, मतलब वन कांट इमेजिन कि आपका टोटल जो है ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, ये इवन जो है आईपीएल आईसीसी से शायद बड़ा होता है। 33 करोड़ लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं, अबे खुद सोचो भाई, ये 133 करोड़ लोगों में से 33 करोड़ बंदे लाइव बैठ के ये मैच देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है भाई। मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी और मेरी ओपनिंग सेरेमनी देख के फट के हाथ में, वो इधर एक आदमी ने कहा था कि वो रिजवान धोनी जैसा है, वो 40 करोड़ लोग देखते हैं उनके मुंह पे लगाओ धोनी पहले, 40 करोड़ देखते हैं जियो सिनेमा में। इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, इंडिया खुद है, 6-7 बड़े कंट्री के प्लेयर यहीं पे आके खेल रहे हैं, वो तमाम टॉप प्लेयर्स, ह्यूज बिजनेस इन्वॉल्व है, पैसा नहीं बोलूंगा बिजनेस इन्वॉल्व है, और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, स्टेडियम राइट्स हो, जो कुछ भी है। अबे भाई 33 करोड़ लाइव जियो सिनेमा की व्यूअरशिप, मतलब अबे ये कहां से लाए हो भाई, इतनी तो हमारी आबादी नहीं है कसम से। 33 करोड़ लोग, अबे 33 करोड़ लोग एक सिंगल टाइम में देख रहे हैं भाई, मैं क्या बोलूं कि कितनी जबरदस्त तरीके से, मैं बोलूंगा यहां पर भाई ओपनिंग सेरेमनी हुई है, पहले तो हैट्स ऑफ टू भाई आईपीएल मैनेजमेंट, क्या जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी की है, और इस ओपनिंग सेरेमनी से हमें सीखना चाहिए भाई, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ये देखो खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, ये बेगैरती करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें बर्नौल के पैकेट की इस टाइम पे ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में जो है वो जलन होती जाए, लेकिन जलन से तुम जलन को छोड़ो, तुम सीखो। अबे भाई अभी चंद्रयान का उन्होंने पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट किया जो उन्होंने किया था पिछले साल, आपको याद है ना, पूरा एक मून लेके आया उसके ऊपर वो चंद्रयान लैंड कर रहा है, मतलब पूरा सीन, क्योंकि वो उनके पास प्राउड मोमेंट है भाई। हम पाकिस्तान के पास कौन सा प्राउड मोमेंट है कि हम वो पेश करें कि भाई हमने ये किया है, हमने दुनिया फतेह कर ली, हमने ये कर लिया। अबे भाई कसम से हमारे पास बर्नौल का बजट है नहीं, और यहां पे 33 करोड़ लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं, 37 करोड़ की व्यूअरशिप थी ये, बेटा विक्रम तक देख रहे थे, जियो सिनेमा वगैरह जो होता था, हां जियो सिनेमा पे आईपीएल है बॉस, कॉम्पिटिटिव, तकरीबन हारी के 1 करोड़ तो पूरी दुनिया से मिला के देख रहे होंगे। और ये जो 37-38 करोड़ सिर्फ जियो सिनेमा पे थे, फिर स्क्रीन पे अलग थे, पता नहीं, यानी मैं ऐसे कर लूं कि 60 करोड़, चलो कम करके 50 करोड़, ये 50 करोड़ लोग अगर आईपीएल का है ओपनर फॉलो कर रहे थे तो इसकी सबसे पहली वजह धोनी थे, उसके बाद विराट कोहली थे। वो इधर एक आदमी ने कहा था कि वो रिजवान धोनी जैसा है, वो 40 करोड़ लोग देखते हैं उनके मुंह पे लगाओ धोनी पहले, 40 करोड़ देखते हैं जियो सिनेमा में। अबे खुद सोचो भाई, ये 133 करोड़ लोगों में से 33 करोड़ बंदे लाइव बैठ के ये मैच देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है भाई, मतलब हर किसी ने बंदा मोबाइल पे पकड़ा हुआ है भाई। हमारे पाकिस्तान में एक तो आईपीएल आ नहीं रही, मैं पैसे भर के जो है यहाँ पर आईपीएल देख रहा हूँ, क्योंकि खुद सोचो ये आईपीएल पाकिस्तान में जो मतलब आ रही है जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, इसपे मैं क्या ही बोलूँ आपको, इस पे मैं क्या ही बोलूं इस आईपीएल को भाई, क्योंकि खुद सोचो ये आईपीएल पाकिस्तान में हो रही है, लोग जो है बड़े खुश हैं कि भाई पाकिस्तान में भी आईपीएल हो रही है, लेकिन भाई जितना मोटा पैसा मैंने दिया मुझे पता है, और ओपनिंग सेरेमनी मैंने देखी है, मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी और मेरी ओपनिंग सेरेमनी देख के फट के हाथ में, यहाँ पर आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखो ना तुम्हें पता चलेगा कि वाकई इंडियन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी है। हम यहाँ पर पीएसएल में सिर्फ मुद्रा चला देते हैं, ये हमें पता नहीं होता कि ये पाकिस्तान की है युगांडा की है, सिर्फ हमने जो है म्यूजिक चलाना होता है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अगर बात करते तो भाई क्या ओपनिंग सेरेमनी हुई है भाई, सोनू निगम ने जो आपका वंदे मातरम गाया है और जो जनमन गण गाया है, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो परफॉर्मेंस थी, टाइगर श्रॉफ जो झंडा लेकर नीचे उतर रहे थे, मतलब भाई पता चल रहा था कि इंडिया का कोई जो है इवेंट हो रहा है। 16-17 साल हो गए, ग्रेजुअली आपने इसको ब्रांड को बढ़ाया है, कम नहीं होने दिया, टीम भी बढ़ाई, 10 टीम खेल रही है, 74 गेम्स हैं, और जो टाइम रखा है फ्रेम उसमें कोई क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं हो रही होती है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, इंडिया खुद है, 6-7 बड़े कंट्री के प्लेयर यहीं पे आके खेल रहे हैं, वो तमाम टॉप प्लेयर्स, ह्यूज बिजनेस इन्वॉल्व है, पैसा नहीं बोलूंगा बिजनेस इन्वॉल्व है, और
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, स्टेडियम राइट्स हो, जो कुछ भी है, ये इवन जो है आईपीएल आईसीसी से शायद बड़ा होता है, पहला मैच है। और जो ब्रांड की बात की आपने, वैल्यूज की बात की, बिगेस्ट ब्रांड तो इसमें कोई डाउट थोड़ी है टॉक यार, $12 बिलियन से ब्रांड वैल्यू हो गई आईपीएल की, $12 बिलियन यार, मतलब वन कांट इमेजिन कि आपका टोटल जो है ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बहुत अच्छी है। हमारे पाकिस्तान में पता चल रहा था कि हम इथोपिया में जाकर जो उनका कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम देख रहे हैं, क्योंकि भाई ना पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आ रहे, ना पाकिस्तान कौमी तराना आपको नजर आ रहा है, ना ही दिल पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्यों दिल पाकिस्तान नहीं बजाया भाई, दिल पाकिस्तान यहाँ पर क्यों नहीं बजा, मुझे एक बात बताओ। तुम्हें बड़ा मसला था ना वर्ल्ड कप में दिल पाकिस्तान नहीं बजाया, अबे भाई अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आईपीएल में आज जो ओपनिंग सेरेमनी हुई जिसके अंदर एआर रहमान की परफॉर्मेंस, अक्षय कुमार, जिसके अंदर सोनू निगम, जिसके अंदर आई थिंक पायल मुच्छल भी थी भाई, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार थे, और 233 करोड़ रुपीज है वो इस इवेंट के अंदर लगाए गए, ये कोई मजाक नहीं है। 230 करोड़ पाकिस्तान की कुल जीडीपी होगी भाई, जितना यहाँ पर आईपीएल की सिर्फ एक ओपनिंग सेरेमनी में तुम लोगों ने लगा दिया ना, ये इंडिया वालों को बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन भाई आपको मजा आ रहा है, हमारे दिल जल गए, हमारे दिलों में से आंसू निकल रहे हैं, हमारे खून के आंसू हो रहे हैं, साला 233 करोड़ लगाए तो लगाए कैसे भाई, हमने इतना। अब आप अगर उसका मुवाजना करेंगे आईपीएल का पीएसएल से और सच बात बोलेंगे ना, ये मेरा भाई सारे लोग पड़ जाएंगे ऐसे कि आपने आईपीएल की तारीफ कैसे कर दी, आपने पीएसएल को, ये आप तो महबे वतन नहीं है, आप सामान लो, टोकरा लो, शिफ्ट हो जाओ भारत में, वो कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम सच की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते हैं यार। आप मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, दुनिया के प्लेयर खेल रहे हैं, आज जो इफ्तिताही तकरीब हुई है उस इफ्तिताही तकरीब का मुवाजना पूरे पीएसएल से कर लो, उनकी जो ट्रॉफी के साथ तस्वीर आई है और लग रहा है कि यार उनके सारे कप्तान खड़े हैं, हमारे आपने स्टेज पर डेकोरेशन वाली कुर्सी रखकर एक को बोला, मेरे ख्याल उसको पता ही नहीं था वो जींस पहनकर आ गया है, आपका पूरा पीएसएल के ब्रॉडकास्ट जितने में था 100 करोड़ के अंदर उसमें एक मैच हो रहा है, आप आईपीएल वहां चली गई है कि जहां दूसरी लीग जब शुरू हुई थी सब लोग कहते थे यार आईपीएल उसके बाद पीएसएल, चलो उनके फंड बहुत ज्यादा है, हमारे खिलाड़ी अच्छे आ रहे थे, अब आज देख लो आपके ठुस पटाखे खेलने आए खिलाड़ी, अगले सीजन में लगता है कि आपकी आईपीएल और पीएसएल जो है वो यूं टकराएगी, जब दो चीजें टकराएंगी तो एक वजनी और जानदार होगी तो हल्की चीज को उड़ा के रख देगी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी लीग जो है मशहूर है और पूरी दुनिया के खिलाड़ी किसमें जाते हैं, वहां पर तफरी कर रहे हैं, नाच रहे, पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसा दिखा ताकि मेरा मूड बने, यहाँ अलल्ले तलल्ले पे पैसा खर्च कर दिया, पीएसएल खत्म हो गई, पूरा थिंक टैंक सर जोड़ के बैठा हुआ कराची के तमाशे क्यों नहीं आ रहे, दिखा के रहे उनको जो आएंगे। आपने अगर आज तैयारी नहीं की आने वाले वक्त में ये आईपीएल पीएसएल को खा जाएगा। पैसे कभी जिंदगी में नहीं देखा इतने में, तो हमारे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है वो 2-4 साल तक बड़े सुकून से खा पी सकती है। तुमने 233 करोड़ एक ही सीजन की ओपनिंग सेरेमनी में लगा दिए, अभी तो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के अलावा बोलूंगा खत्म ही नहीं हुआ भाई मैच, ये पहला मैच आईपीएल का और पहले मैच के अंदर आपने इतना पैसा लगा दिया, और ग्राउंड में देखते हो तो ऑल ओवर द ग्राउंड भाई जो येलो कलर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 55,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की, और उसके बाद जब आप देखते हो तो भाई 55,000 लोग स्टेडियम के बाहर बैठे, इतना बंदे लाते कहां से हो, इतना बंदे कहां से लेके आते हो भाई, हमारे पास तो नहीं है इतने बंदे, मतलब खुद सोचो अजीबो गरीब सी पाकिस्तान की आवाम हो गई है भाई। आज मेरे को आईपीएल देख के यकीन करो शर्मिंदगी हो रही है हमारे ऊपर, आज पाकिस्तान के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, इतने सालों से हमें अली जफर का जो है ये गाने सुनाया जा रहे हैं, हमें आरिफ लोहार को लेके आ जा रहे हैं, हमें फवाद आलम लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि भाई ओपनिंग सेरेमनी होती कैसे, वो तो आज मैंने देखी है भाई, ओपनिंग सेरेमनी में कम से कम बंदा अपने मुल्क को तो रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ग्राउंड में देखो तो भाई 3D स्ट्रक्चर में जो है शानदार तरीके से इंडिया गेट बनाया हुआ था, इंडिया के बहुत ताजमहल बनाया हुआ था, इंडिया के बहुत बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाए हुए थे भाई, इससे पता चलता है कि ये इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी है, ये युगांडा इथोपिया की नहीं है भाई, हमारी पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी देखते हो तो भाई पता नहीं चाइना की है, इथोपिया की है, युगांडा की है, पुर्तगाल की है, कहां की ओपनिंग सेरेमनी हमें पता ही नहीं चल रहा था। अरे हम 3 करोड़ नहीं लगा सकते ओपनिंग सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान में, और यहां पर ये 233 करोड़ लगा के बैठे हैं भाई, जितनी तारीफ करो कम है, वेल डन इंडिया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए हिंदुस्तान की कम है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि बाकी मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आईपीएल को सीआरमी बहुत ग्रैंड हुआ है, जिस कारण बहुत ही वाह वाह कर रहे हैं आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि लगभग जियो सिनेमा ऐप में भी लगभग 33 करोड़ लोग लाइव आए थे जब ओपनिंग सेरेमनी चल रहा था, और लाइव में जब स्टेडियम में दर्शक थे जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी देखा उन्हें भी लगभग 25-30 हजार लोग तो स्टेडियम में ही बैठे थे, इतनी क्राउड देख के पाकिस्तानी मीडिया थोड़ी स्टन हो गई, बोले इतनी मीडिया इतने हाइप कैसे हो सकती है आईपीएल की, किसी भी ऐसे भी हो सकती है इंडिया में, यहाँ तक कि लोग बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि इतनी लाइक हमारे पीएसएल में भी नहीं आया जितने कि इनके आईपीएल में चल रहा है, ये देख के बहुत से मीडिया चैनल्स वाले ला उठे, वाह बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ गया आईपीएल का, हम
अच्छा कह रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।